हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप ट्रेडिंग। सो मार्केट ओपन हो चुका है, करेंटली टाइम रहा है 9:26 एंड मैंने अपने दिन का दूसरी एंट्री बना ली है। 45,300 का कॉल बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 335 एंड अभी आप देख सकते हो मैं 10 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, बट इसमें जो हमारा टारगेट है वो 30-40 पॉइंट्स का रहेगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं स्ट्रेट में क्या होता है। एंड ये वाला जो ट्रेड था थोड़ा सा रिस्की टाइप है, इसलिए मैंने किसी को भी अपडेट नहीं किया है, पर्सनली बाय किया है, देखते हैं स्ट्रेट में क्या होता है। तो हमारे इसमें स्टॉप लॉस आ चुका है, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो इस ट्रेड में हमने 7,200 का लॉस बुक किया है, बट ओवरऑल जो लॉस था वो 6,600 का था। देन बीच में मैंने एक निफ्टी की स्कैल्पिंग ट्रेड भी बनाई थी, बट वो भी फेल हो गई थी, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा लॉस लेके एग्जिट कर दिया था। एंड देन यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर ट्रेड बनाई है, 45,200 का पुट बाय किया है, जिसमें मैंने दोबारा से री एंटर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो 2,000 के आसपास दिखा रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं स्ट्रेट में क्या होता है। आज का जो दिन है वो प्रॉबेबली हमारा स्कैल्पिंग वाला रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, बट हम कोशिश करेंगे कि आज का दिन हम ग्रीन में ही क्लोज करें। अभी तक मैंने प्रीमियम मेंबर्स को कुछ भी ट्रेड अपडेट नहीं करी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी रिस्की, मार्केट में कुछ खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एंड मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग लेके चल रही हूँ, तो ये ट्रेड्स थोड़ी इम्प्रॉपर भी हो सकती है। तो चलिए एक जो सही सा ट्रेड होगी वही हम अपडेट करेंगे एंड वही हम भी बाय करेंगे। तो अभी जो हमारा लॉस है वो 7,000 के आसपास चल रहा है, वेट करते हैं। मैं हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। जैसा कि आपने देखा मैंने बीच में एक निफ्टी 50 की भी ट्रेड बनाई थी, तो उसमें हमारा टारगेट आ चुका है, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। एंड एक्सपायरी के हिसाब से जो मोमेंट हमें चाहिए वैसी तो नहीं मिल रही है, मार्केट थोड़ा सा स्लो मोमेंट दे रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आज के दिन बेसिकली मैंने अपनी क्वांटिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है ड्यू टू स्कैल्पिंग। एंड आपने देखा होगा जो हमारा लॉस 10,000-11,000 तक चल रहा था वो अभी 4,300 पे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको हम पूरा रिकवर कर पाते हैं या नहीं। बेसिकली मुझे पूरा लॉस कवर करके ग्रीन में क्लोजिंग देनी है आज के लिए, बट उससे पहले अगर हम इन ट्रेड्स के लॉजिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड इसमें मैंने जो फर्स्ट ट्रेड बनाई थी वो कॉल साइड की तरफ बनाई थी। तो इसमें जो बेसिकली यहाँ देखोगे आप, ये जो मार्केट ने डे हाई लगाया था अपना 3 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट भी हुआ तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, बट यहाँ पर जो मूवमेंट मुझे चाहिए थी फास्ट वो नहीं मिली, उस वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो ज़्यादा कुछ खास तेज़ी से नहीं बढ़ पाए। देन हमने बेसिकली यहाँ पर वेट किया एंड जब प्रॉपर एक सपोर्ट का यहाँ पर जो सपोर्ट देख सकते हो पिवोट का ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह हुआ, रिट्रेसमेंट आया, लेकिन मेरा जो एसएल था वो इस ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा सा ऊपर था और आप देख सकते हो इस ब्रेकआउट कैंडल को ही मार्केट ने रीटेस्ट करके फॉल दिखाया, तो हमारा जो एसएल था वो थोड़ा सा अपसाइड था इसलिए बच गया। एंड जो टारगेट था वो यहाँ पर हमारा डे लो था जो हिट हो गया एंड अभी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। तो इस हिसाब से हमारी ट्रेड्स प्लान हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर। एंड साथ ही अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें, जो मैंने फर्स्ट कॉल ऑप्शन बाय किया था मैं यहाँ ट्रैप हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जल्दी अर्ली एंट्री बना ली थी, क्लोजिंग नहीं आई और मैं ट्रैप हो गई। यहाँ पर फिर सेकंड जब मार्केट ने एक बढ़िया सा ब्रेकडाउन दिया स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ, तो मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई एंड इसी के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब हो सकता है यहाँ से भी मार्केट एक फॉल दिखा दे, बट कुछ कह नहीं सकते, एनीथिंग कैन हैपन। जब तक यहाँ पर एक प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं आता हम ट्रेड्स नहीं लेंगे, बट अगर हमें यहाँ पर और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू उसको अपडेट कर दूंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगर हम बात करें कि हमारी ओवरऑल जो अभी तक पोजीशंस क्या चल रही है, प्रॉफिट में है या लॉस में, जो हमारा 4,300 का लॉस था वो कवर हो पाया है या नहीं, तो वो देख लेते हैं।
ओके गाइस, सो एज यू कैन सी करंटली टाइम हो रहा है 10:51 एंड हमारा जो लॉस चल रहा था 4,300 का वो पूरा कवर होके जो हमारा प्रॉफिट है वो है 7,600 का। आपने कितना प्रॉफिट बनाया है आज की एक्सपायरी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आज के दिन मैं और कोई ट्रेड बनाऊंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रखी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।